बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए, बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत फन हो रहा है, बहुत मैं आज माशाल्लाह हंसती हूँ। तो मजीद लोगों से बातें करते हैं और कुछ फन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? आमना। बेबी का नाम? आयजा। आयजा जी कौन सी क्लास? ए ग्रुप बी। ए ग्रुप में हो, क्या पढ़ती हो क्लास में जाके? ए बी सी। पॉइंट 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 पढ़ती हो। ए बी सी आती है? वन टू आती है? अली बे आती है? अली बे नहीं आती। कौन से स्कूल में आप? ओके जी, कितने बच्चे हैं आप? एक ही बेटी है। अर्ली होगी जी, बहुत ज्यादा 52 इयर्स बाद पूरा खानदान में बेटी पैदा हुई है। अच्छा जी, हमारे घर में जितने भी हैं सारे बेटे लड़के ही लड़के, तो 52 इयर्स की इनकी फुफो हैं, उनके बाद फिर हमारे घर में ये बेटी पैदा हुई। इंशाल्लाह सही लाड बहुत ज्यादा माशाल्लाह। ओके जी, सवाल कर दी। ठीक है जी जी, मुझे बताएं आपसे मेरा सवाल है कि वो कौन सा जानदार है जो एक आंख बंद करके और एक आंख खोल के सोता है? एक आंख बंद करके एक आंख खोल के सोता है? पता नहीं, कोशिश करें। बड़ा क्यूट होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बहुत एक्टिव होता है। रैबिट? नहीं। टेडी बियर? बियर? नहीं। क्या सुन शेयर करें? मैं आपको ये पोइम सुना दें? आप क्या शेयर करें? आपको मैं आपको एक होम रेमेडी बताती हूँ। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम है और आए दिन बच्चे वगैरह सब बीमार होते हैं, तो उसके लिए एक होम रेमेडी है कि आप 5 टेबल स्पून ऑयल लें, कोई सा भी, सरसों का ले लें कोई भी, और उसके अंदर एक छोटी टिक्की कफूर की डाल के उसको पका लें, और जब वो पूरी मेल्ट हो जाए उसके बाद उसको रख लें, और जब भी यूज़ करना उसको हल्का सा गर्म करके बच्चों की कमर पे, उनके बाजुओं पे, उनकी टांगों पे लगाएं। इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, बच्चों की कफ भी दूर हो जाएगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो बस ये मेरी होम है। ऐसा पॉइंट्स में एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? So hot over the mountains and over the seas, over the mountains and over the seas. Aeroplane, aeroplane, please take me. Aeroplane, aeroplane, please take me. Yeah. Very nice. किसने सिखाई है? Teacher ने। अच्छा, आपको अली पे जरा भी नहीं आती? आती है। सुनाओ फिर। अली बे पे नहीं से। नाम से सुनाओ ना। अले बे पे ऐसे सुनाओ। बच्चों से के अली बे पे ते से नीचे। ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। यू वेलकम जी। इन्होंने जो है, हाँ, बच्ची ने बड़ी अच्छी पोइम सुनाई, और मैं कहूँगी कि देखिए स्कूल में उसको 1-2 भी आती है, उसको ABC भी आती है, मगर उसको ज़रा भी अलिफ बे नहीं आती। दिस इज़ वेरी बैड ना, आफ्टर ऑल यू आर लविंग इन द पाकिस्तान जहाँ पे उर्दू जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। खैर, उर्दू को हमें 2015 में जाके सोल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। हमने भी गलत किया है, हमने उस टाइम ही हमें इसको जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे देना चाहिए था जब पाकिस्तान बना था। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इट्स ऑलवेज फील सैड जब बच्चों को अलिफ बे नहीं आती। मुझे लगता है उनको अलिफ बे आनी चाहिए। जिस यार से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? दुआ फातिमा। आपका नाम? शजीना फातिमा। बाल किसने बनाए? आप ही ने। आप ही ने बनाए, बड़े अच्छे बनाए हैं जी। आप बड़ी स्टाइलिश लग रही हैं। वेरी नाइस। चलिए जी, कितना डिफरेंस है दोनों में? 4-3 मंथ्स ईयर्स का, 4-3 इन दोनों, आप में और इनमें। और बड़ी आप ही में? उसमें 6 ईयर्स का है मेरे से। 6 ईयर्स का? अच्छा माशाल्लाह। डांटती हैं आप ही? जी थोड़ा बहुत। और आप तंग करते हो? पता नहीं। ये तंग? और ये तंग करती है? नहीं। शक्ल से इतनी मासूम लग रही है ना, मासूम हो ना। चलो मुझे बताओ वो कौन सा जानदार है जो एक आंख बंद करके और एक आंख खोल के सोता है? आउल।
जानदार है, बड़ा प्यारा है, बड़ा क्यूट है, बड़ा एक्टिव है। तोता? नहीं तोता, पैरट? नहीं जी। चलो छोटी बहन की एक अच्छी आदत बता दो। इसकी एक कॉपरेट बहुत करती है मेरे साथ। और आप बताओ आपकी की अच्छी आदत? आपकी लड़ती नहीं है। आप लड़ते हो जी? अरे क्या सुनाएंगी पोएम? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like the diamond in the sky. Very nice. सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। वेरी नाइस। कहाँ से लिए बैंड? ये बैंड मेरी मामा ने गिफ्ट किया था मुझे। मामा ने गिफ्ट। और आपने कहाँ से लिए शूज? मैंने मम्मा। मम्मा ने लेके दिए। वेरी नाइस। चलो जी मुझे ये बता दो खाने में क्या पसंद है? मुझे कुछ भी फ्रूट्स वगैरह और बिरयानी। बारबेक्यू। वेरी नाइस। ये ले जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। यू वेलकम जी। अब तो मुझे भी लगता है जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल है वो हमारी एक नेशनल पोएम बन चुकी है, उसी तरह मुझे लगता है बिरयानी जो है वो हमारी जो है वो एक नेशनल डिश बन गई है। वो कहते हैं ना जिससे पूछो बिरयानी। आई थिंक मुझे 90% लोगों ने बोला है कि उनको बिरयानी पसंद है। क्यों? मुझे तो ज़्यादा पुलाव पसंद है, वो भी यखनी वाला, मटन का, मटन का यखनी वाला पुलाव हो बड़ा मज़े का। बिरयानी मुझे इतनी पसंद है मगर इतनी नहीं पसंद। अच्छा मेरा मुझे लगता है टेस्ट जो है वो थोड़ा सा लोगों की नस्बत डिफरेंट है। चलिए आज हम लोगों से पूछते हैं कि उनसे चॉइस डिसाइड करते हैं कि अगर उन्होंने बिरयानी बनानी हो या पुलाव बनाना हो तो वो प्रेफर किसको करेंगे। तो आए बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माद रहमान। आपका? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, इंटर हो रहा है। ओके जी, सवाल करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जो एक आंख खोलकर और एक आंख बंद करके सोता है? फ्रॉग? नहीं। लेट मी हेल्प यू। बहुत क्यूट होता है और बड़ा एक्टिव होता है और कहा जाता है कि उसका दिमाग जो है वो तकरीबन इंसान से भी ज्यादा तेज है। मंकी? मंकी। आउल? कोई बात नहीं, क्या शेयर करेंगे? सॉन्ग्स गा देते हैं। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से, बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे से उतर मेरे सपनों से, आ जा जमीन पे और मिल जा कहीं पे। वेरी नाइस। दोनों दोस्त हो या भाई हो? दोस्त। दोस्त हैं। भाइयों की तरह? भाइयों की तरह दोस्त हैं। कितना अर्सा हो गया दोस्ती? 8 साल। अच्छा कभी फड्डा वगैरह लड़ाई हो तो ये आता है पीछे? ना भी आए तो खींच लेते हैं इसको। अच्छा यानी ये खुद नहीं आता? आ भी जाए नहीं भी आए फिर भी। और ये बुलाना पड़ता है वैसे पहुंच जाता है। अच्छा दोनों बताओ कभी लड़ाई चढ़ाई हो तो भाग जाते हो या डट के लड़ते हो? लड़ाई करते नहीं, अगर हो जाए तो फिर भागते नहीं। नहीं भागते। अच्छा क्यों लड़के ऐसे करते हो? नहीं हमने लड़ना है, भाग जाए बंदा। मैंने पहले बोला हम लड़ाई करते नहीं, अगर अगर हो जाए तो सड़क पे ऐसे कोई पागल होता लड़ना शुरू करते, गाड़ी लग गई, बाइक लग गई, यू नो क्या करते हो? दौड़ लगा दिया, पकड़ लेते हैं हम। अच्छा और अगर वो ज्यादा हो? ज्यादा तो वो पकड़ लेते हैं। कभी ऐसा बड़ी मार पड़ी हो? नहीं कभी मार नहीं हुआ। कभी आपने मारा उस सही? नहीं नहीं मारा। घर वालों से मार पड़ी है? पापा से? नहीं मामा से। वाइपर से? नहीं बैट। चकने बेला बैट से पड़ी ज्यादा मार। पहले पढ़ती होती थी फिर बाद में खुद ही सही कर देती थी दम दम करके। प्यार भी करती है? हाँ वो माँ का ये होता है, मैंने एक तो देखा कि मारने के बाद प्यार भी कर। किस बात पे मार पड़ती है? बात ना मानने पे। क्या बात? पढ़ाई ना करने पे। अभी क्या पढ़ रहे? अभी बीएससी क्लियर किया मेरा। क्या इरादा, क्या बनना?
अभी फिलहाल तो बाबा के साथ बिजनेस ज्वाइन करने का इरादा आगे मेरा बैंक साइड में जाना। वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक गाइस, लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी, बड़े अच्छे बच्चे थे और बड़ा मजा आया। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आई, आई वॉज इन कॉलेज और ना 8 लड़कियाँ थी, तो मेरी उनसे लड़ाई हो गई। मैम लड़ाई क्या, किसी की जरूरत मुझसे लड़े, बस थोड़ी सी उस टाइम बातचीत की, मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आज जब उसने मुझे देखा तो मैंने दौड़ लगा दी, मैं वहाँ से भागी और मैं इतना भागी कि मैं मेन गेट से भी आगे भाग गई। आगे जाके मुझे एहसास हुआ कि आखिर मैंने इस कॉलेज में वापस मुँह दिखाना है, तो मैं आगे जाके रुक गई। हाँ, और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मतलब थोड़ी सी बहस शहस की और फिर मामला ख़त्म हो गया। तो उस दिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर आप भाग जाओ तो ये ज़्यादा बेटर है, इससे पहले कि आप बैठो वो चार आपको लगाएं, चार आप उनको लगाओ। देखो साफ सी बात है, लड़ोगे तो नुकसान अपना ही है। हाँ, अगर मेरे से कोई लड़े, मैं छोड़ती नहीं हूँ, अगर घर तक उसको छोड़ के आती हूँ, छोड़ती किसी को नहीं हूँ। और मैं कहती हूँ छोड़ना भी नहीं चाहिए, कोई आपको एक लगाओ उसको चार लगाओ, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेस्ट आइडिया है कि भाग जाओ। ठीक है जी, नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। जनाब जी बड़ा मज़ा आया आज आप लोगों के साथ, बहुत फन किया, बहुत लाफ किया, बहुत इंजॉय किया। दो सवाल, वो कौन सा जानदार है जो आंख ब्लिंक नहीं करता, ऐसे ऐसे नहीं करता, तो वो है स्टार फिश। ठीक है, और दूसरा जो एक आंख खोल के सोता है और एक आंख बंद करके सोता है, जो आपका सवाल था कि वो कौन सा जानदार है जो एक आंख बंद करके यानी कि ऐसे सोता है, तो वो है डॉल्फिन। जी बिल्कुल, डॉल्फिन क्योंकि वो बहुत क्यूट होती है, तो उसकी हरकत में क्यूटनेस पाई जाती है। तो जी मुझे लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त, मुलाकात होगी कब होगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी, तो तब तक बहुत सारा ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम भूजो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखना है, और उसके बाद अगले दिन सुबह 11 बजे रिपीट होगा, सुबह 5 बजे भी रिपीट होगा, तो ज़रूर देखिएगा। मुझे अपनी होस्ट को अलीना हारून को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।